होंगे खैर करिए से होंगे। और आज हम बच्चों की फरमाइश पर आए हैं लाहौर ज़ू में, और यहाँ पर छुट्टी का दिन है, बहुत रश है यहाँ पे, और बच्चे एंटर होते ही बहुत ज़्यादा खुश हो रहे हैं, एक्साइटेड हो रहे हैं। तो आइए आपके साथ उनकी एक्साइटमेंट शेयर करते हैं और आपको भी लाहौर ज़ू का विज़िट करवाते हैं। चलिए चलते हैं। तो हम एंटर हो चुके हैं, एंट्री के साथ ही यहाँ पर जुराफा मौजूद है और हम उसके पास ही जा रहे हैं और बच्चों को भी दिखाएंगे, खुद भी देखेंगे। तो देख आइए देखते हैं। क्या है ये? जी तो यहाँ पे ये दो जिराफे हैं, ये अगर क्लोज करके दिखाया जाए तो ये देखिए, क्या देखना है? हाँ टाइगर देखना है, ये मंकी देखना है, क्या देखना है जी? तो बच्चों ने फरमाइश की है लाइन देखने की, हम लाइन सफारी यानी कि टाइगर सफारी की तरफ जा रहे हैं और आपके साथ में शेयर करेंगे। चलिए चलते हैं। ये देखिए जी, ये इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं कि यहाँ पर क्या है। यहाँ तो ये यहाँ पर शेर होते हैं या रीछ है, तो बच्चे टाइगर देखने के लिए बेताब हैं। चलो जी आगे चल के देखते हैं जी। ये जी ये लाइन है जो सो रहे हैं धूप में, अगर मैं जूम करके दिखाऊं तो ये इनको ऐसा लगता है जैसे नींद की दवाई दी हुई है। ये जब भी हम आते हैं तो ज़्यादातर शेर सो ही रहे होते हैं। कहाँ पे है लाइन? लाइन कहाँ पे है? वो देखो वो सोया हुआ है, ऊपर करके दिखाऊं? एक पिंजरे में इसके बंद कर दें। वो देखो लाइन बोल भी रहा है जी, ये इसके सामने बिल्कुल ये लाइन हाउस है, शेरों का घर, और यहाँ से शेर बुरा भी रहा है। आइए चलते हैं और देखते हैं। वो आ गया है।
ये सोया हुआ है। इनके ना कलूले का टाइम है। ये क्यों हो रहा है? खाना खा के सो जाते हैं। ये दोपहर में अक्सर सोए होते हैं। इनका खाना कहाँ है? वो देखें, रहीमा को बहुत सस्पेंस है। अभी हम ऊपर की तरफ जा रहे हैं, ऊपर भी लाइन भी है, वो देखने वैसे आगे आगे चलो। बब्बर शेर है, बब्बर शेर है। और ये भी सोए हुए हैं और इनके पिंजरे में कब्बे फिर रहे हैं, गोश्त खा रहे हैं और उनको बिल्कुल कोई फिक्र नहीं, कोई परवाह नहीं। ये देखिए इसका क्या नाम है? ये वाइट टाइगर है। इसका क्या नाम? बब्बर शेर। वाइट टाइगर है। पीछे मुंह करके खाया था। खाना खा रहा है। ये बब्बर शेर नहीं, ये कब उठेगा? क्या है ये? बब्बर शेर। देखिए जी, ये यहाँ पे एक पहाड़ी टीला नुमा कुछ है और बच्चे बहुत बेहतियाती से चल रहे हैं और हम इसे एक्सप्लोर करने के लिए ऊपर जा रहे हैं कि क्या है इसके ऊपर। तो आइए देखते हैं। यहाँ पर ये कुछ ऐसा है, यहाँ पे लोग आए हुए हैं, फैमिलीज आई हुई हैं और दरख्त हैं यहाँ पे, वरना पूरे जू का व्यू यहाँ से नज़र आ सकता है जितनी हाइट पे है। ये देखिए, ये ऊपर एक लाइन है, अब उसने मुंह नीचे कर लिया है और ये बच्चे उसे देखने की पूरी पूरी कोशिश कर रहे हैं। ये देखिए, ये ऊपर करके बैठा हुआ है और ये बच्चे उसे देखने की कोशिश कर रहे हैं। वो छुप गया, कैसे उपल गया है? वो छलांग लगा गया। ये वजह है चढ़ता है। जा रहे हो? ये जी, बच्चे गैंडा देखने के लिए बहुत एक्साइटेड हैं और ढूंढ रहे हैं कि गैंडा कहाँ पे है, कहाँ पे है। ये देखिए जी, ये गैंडे की रिहायशगाह है और ये देखिए जी, ये इसके बारे में मालूमात भी लिखी है। सफ़ेद गेंडा अफ्रीका, और ये आप बच्चों की एक्साइटमेंट चेक कीजिए। कहाँ पे हैं? सफ़ेद गेंडा कहाँ गया? इधर इधर, यहाँ पे, यहाँ पे इधर।
इधर आके देखो ना, इधर आके आओ, मैं दिखाता हूँ। ओके। ये देखिए बच्चे को आप सर्किट हैं, इधर आओ। गेंडे ज़ैफ़ा मिस यू अ लॉट। गेंडे को कर लेके चले, गेंडे को कर लेके चले। रहीमा कहाँ है? रहीमा को बिल्कुल कोई फिक्र नहीं है, ये बस ना वो देखो गेंडा बाहर आ गया। ये देखिए ये गेंडा बाहर आ गया है। उधर चलो। कहाँ चला गया? क्या आया? ये बच्चों की एक्साइटमेंट का आलम देखिए, ये ऊपर चढ़ के देख रहे हैं। और ये देखिए ये गेंडा बाहर आ गया। हाँ जी, वहाँ चले गए। के लिए इन्होंने यहाँ पे मुख्तलिफ जगह पे बोर्ड और उसके निशान लगाए हुए हैं कि कौन सा जानवर किस तरफ है, इससे भी काफ़ी रहनुमाई मिल जाती है। और यहाँ पर हैं क्या है ये? दूर चले गए। ये दरियाई घोड़े का घर है और यहाँ पर ये ग्राउंड एरिया है और यहाँ से आगे ये तालाब बनाया हुआ है और इसके अंदर ये यहाँ पे आगे ये छुपा हुआ है और इस वक्त इसका मुंह पानी के अंदर है। ये बॉडी का कुछ हिस्सा इसका पानी से बाहर है और मुंह इसका पानी के अंदर ही है। एक और जगह से व्यू दिखाता हूँ। इस तरफ से आ जाओ। मैं भी ये देखो।
ये बच्चों को बहुत सस्पेंस हुआ हुआ है और इन्हें अभी नज़र नहीं आ रहा, पता नहीं लग रहा इनको कि कहाँ पे है। उसने अपना बिल्कुल छुपाया हुआ है। दरियाई को रखा है। मंकी मंकी हाउस है ये, यहाँ पर नहीं है, ये यहाँ पर है। कहाँ चढ़ा हुआ है मंदिर? ये सब है वो क्या? एक और भी है, एक वो है, वो सोया हुआ तो ये इस वक्त ना संडे है तो रश भी इस वक्त है, मतलब लोगों का काफ़ी रश हो गया इस वक्त, पहले इतना ज़्यादा नहीं था, अब ये देखो हर तरफ वो ना लोग ही लोग हैं। जैसे जैसे शाम बढ़ रही है ना लोगों का हजूम ज़्यादा है। नीचे रो, अंदर नु गए तो बाहर नहीं आना। अब पानी तो आके चल गया हो, पानी फटी जा रही है। यार ये कितना सा बहुत बड़ा है, ये बहुत बड़ा है, ये बहुत बड़ा है। कहां पर पानी? ये देखिए जी, आपको एक और एंगल से दिखा रहे हैं पानी। खुद चलते ये है मगरमच्छ। क्या है ये? वो आ गया, ऊपर से आ गया। ये देखो जी, हैरान किधर से आ? कितने शोर से आ यार। और बच्चों के सस्पेंस का आलम देखिए, कैसे शौक से और हैरत से देखिए। चाइनीज भी सैर करने आए हुए हैं जू जी, ये जी चाइनीज भी आए हुए हैं, ये बड़े एक्साइटेड हो। ये पैरेंट थोड़ी नहीं, ये नीचे वाले तो ये भाई साहब आज ना को काटू बच्चों ने कुछ ये क्या? स्लेटी गानी वाला ये ना बिल्कुल लाइक ऐसे मोर नहीं होता, ऐसे लगता है। बहुत ही खूबसूरत मंदिर है, सूरज का गुरू हुआ चाहता है। क्या है?
पापा, एक बड़ा है। पापा इतना ज्यादा बड़ा हो गया, कुड़ी को एक बड़ा हो गया सारा। कुड़ी को अंदर तोते हैं, अंदर तोते हैं। वो इसमें केज में बैठा है। क्या है ये, बोलो। ये तोता, तोता पापा इसको कहते हैं। ओ एक देखो, वो कितना प्यारा छुप के बैठा है। वो देखो ऊपर है, ऊपर। ओ देखो तो क्या लग रहा, दाढ़ी आई है। कचरी का जतूटी खाने वाला तोता, ये भी तोता ही है। इसको कहते हैं फीजल। फीजल, फीजल। अमाइ ये चाहे, अमाइ का नाम चाहे। फीजल, फीजल। मोर की तरह का होता है। ये इधर, ये देखिए। चुप कबरा मोर। यहाँ पे ग्रीनरी, बहुत ज़बरदस्त ग्रीनरी का मंजर है। दरख्त ही दरख्त हैं। और जी ये देखिए, यहाँ पे गमले लगा के पनीरी लगाई गई है। और ये हिस्सा तो बहुत खूबसूरत है, बहुत ग्रीनरी है यहाँ पे। शाम का वक्त है और परिंदे ऊपर उड़े हैं, चहचहा रहे हैं। मत चढ़ो पास मत, और इसमें ना वो चूहे भी होते हैं। पापा इसके अंदर चूहा है भी। ये ऊपर कर लो, मास्क ऊपर कर लो। क्या टाइम चूँकि थोड़ा रहता जा रहा है, इसलिए हम ज़रा थोड़ा सा जल्दी जल्दी वीडियो बना रहे हैं और जितनी हो सकता है जानवरों को और परिंदों को कवर करने की कोशिश कर रहे हैं। ये देखिए, ये है पीला सुनहरी चीज़ है। ये देखिए जी, कितना खूबसूरत परिंदा है जी। ये यहाँ पर डक बतखें हैं, ये वाइट कलर की हैं। पानी वाले कश्मीर। सैर करने के बाद अब ज़रा थक चुके हैं और थोड़ा रेस्ट कर रहे हैं। शाम हो रही है, रश बहुत ज़्यादा है, तो थोड़ा सा रेस्ट करेंगे। पाँव खाते हैं और इसके बाद फिर हम वापस घर की तरफ चलेंगे। अभी इस वक्त रश बहुत ज़्यादा हो गया, बहुत ज़्यादा। अब देखिए इस वक्त काफ़ी ज़्यादा है। थोड़ा छुप के दिखा रहा हूँ, यहाँ पे तोता और ये चील है, जो पार्क है। बच्चे फूल होते हैं और ये देखें, ये फूलों में आकर फूल ही बन गए हैं बिल्कुल। ये छोटा फूल हमारा ये आ गया है। ये
आप फूल बन गए हो। ये सामने ही लाइन सफारी है और ये लाइन के शेर बाहर अब आ गए हैं और घूम रहे हैं। ये देखिए ये भालू है यहाँ पे, एक ये चलता हुआ जा रहा है और ये बैठा हुआ है। शाम का वक्त है और जानवर इस वक्त बाहर आ चुके हुए हैं, पिंजरों से बाहर हैं इस वक्त। भालू बैठ भी जाता है और ये लग यही रहा है कि ये कुछ खाने को मांग रहा है। मैं बस एक डेढ़ घंटा तो ठीक रही हूँ, उसके बाद बस हो गई है। मेरे जूते मुझे इस कदर लग रहे हैं कि बस अल्लाह ही, अब मैं तो चला भी नहीं जा रहा। अब मैं तो कह रही हूँ बस चढ़ चलें। तो जी, तो ये वीडियो हमारी यहाँ तक थी, है तो ये बच्चों का कंटेंट, तो चलें देखेंगे बच्चे और इन्जॉय करेंगे। तो हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, अल्लाह हाफिज। क्या खा रहे हो? ये जी हम बाहर भटूरे खा रहे हैं, बाकी सब खा चुके हैं और ये छोटी दुनिया खा रही है अभी आराम आराम से, स्लो स्पीड, स्लोली स्लोली। बच्चे लग रही हैं छोटी दुनिया खा रही है। बस पेट भर गया। छोटी दुनिया खा रही है, छोटी दुनिया खा चुकी है, छोटी दुनिया खा चुकी है, खा रही है। ये देखिए जी बाहर चहल पहल और घूमते रहे हैं, सैरें कर रहे हैं और हम भटूरे खा रहे हैं, पंखे खा चुके हैं।